प्रेज द लॉर्ड, दिस इज मी निशा आशिक एंड आई हैव एन एक्साइटिंग न्यूज. और वो ये है कि अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ रफी स्टडी के प्लेटफॉर्म से. अभी हमने खूबसूरत गीत रिकॉर्ड किया है. मैं मतलब मेरा काम हो गया है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया. अभी मास्टरिंग हो रही है, मेरा ख्याल है रात के 2 बजे मेरे पास है. और मेरा ख्याल है रात के 2 बज रहे हैं और अभी स्टिल हम इस पर काम कर रहे हैं. देखते हैं और कितनी देर लगती है. बाकी है कि गीत बहुत जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा. और जितने आप सबों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गीत सबसे पहले आपको मिल सके. वरना तो आप सबको बरकत दे. आमीन. जामसी की बहुत शांत है. इतनी भूख लगी हुई थी ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया. और मैं और पापा इस वक्त बद की लेट नाइट हमें मज़े की चीज़ खा रहे हैं. मैं आपको बताऊँ पीनट्स मूंगफलियाँ खा खा के गुजारा करें क्योंकि अभी स्टिल हमें काम करना है बहुत ज़्यादा. पहले बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है. घर जाएंगे तो बाहर से मैं कुछ भी नहीं खाना चाह रही थी. मैंने कहा बाबा से नहीं बाहर का कुछ नहीं खाना क्योंकि अभी काम करना है. तो आए वो बाबा मेरी मूँगफली कहाँ गिरी है. मेरी मूँगफली भी गिर गई है. चले ये थैंक यू. पापा निकाल निकाल के दे रहे हैं. मैं खा रही हूँ. मुझे वही बहुत भूख लगी है. मैंने वहाँ से कुछ नहीं खाया. मैं बहुत बिजी थी, काम कितना प्रेशर था. लेकिन शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के. ये गीत बहुत इसमें हमने मेहनत की. मेहनत तो है ही है, बहुत सी दुआ है इस गीत के पीछे. मैं मान रखती हूँ जब आप सुनेंगे तो बरकत पाएंगे. मेरी मूँगफली फिर गिर गई है. बाय बाय. और मेरे बेचारे पापा खाते रहे. तीन चार दफ़ा हम लोग चाय पी चुके हैं. मैं आज चार दफ़ा एक टाइम पे चाय पी है, वो भी गंदे कपों में. लेकिन कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा. घर पे मम्मा ने खाना बनाया है लेकिन इतनी रात को फिर उनको डिस्टर्ब तो नहीं करना. लेकिन कोई बात नहीं, जब भूख लगे तो कर लेना चाहिए. ऐसा है आखिर कब तक, वो वक्त करीब है. काम तो करीबन ख़त्म होने वाला है, 1.5 घंटा हो रहा है. लेकिन घर जाएंगे और फिर खाना खाएंगे. तब तक के लिए पिनट तो है ही.